Good morning, student. Now we are starting our next topic, the teaching method of the ancient time. Yesterday we were discussed the main priorities of the ancient period, and now we are starting our next topic, that is now teaching methods. कि जो वैदिक टाइम था, जो एंशिएंट पीरियड था, उसमें टीचिंग मेथड्स थे, वो कौन कौन से इंक्लूड किए गए थे. एज यू नो दैट कि ऑन द टाइम ऑफ एंशिएंट देर आर नॉट टेक्नोलॉजी टेक्निकल फैसिलिटी अवेलेबल ऑन दैट टाइम. कि उस टाइम पे जो टेक्निकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो किस पे स्ट्रेस दिया था, किस तरह से वो टीचिंग करते थे एंशिएंट टाइम में. फर्स्ट है हमारा मौखिक टीचिंग, यानी ओरल टीचिंग. ओरल टीचिंग क्या होती है? ओरल टीचिंग होती है जिसमें जो टीचर है, यानी जो गुरु है, अपने इन फ्रंट ऑफ देयर प्यूपल्स ही स्पीक्स ओनली. क्या करते हैं वो? उनके सम्मुख ओनली बोलते हैं, बात करते हैं, अनेक ग्रंथों के भाष्य प्रस्तुत करते हैं, मैनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन देयर लेक्चर. कि अपने लेक्चर में वो बहुत सारे स्कल्पचर अपने ग्रंथों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं. शिष्य उनको ध्यानपूर्वक कंठस्थ करता है, एंड द पीपल लिसन एंड अंडरस्टैंडिंग वेरी केयरफुली ऑफ देयर स्कल्पचर, एंड एकांत में बैठकर एकाग्रचित हो उस पर चिंतन करता है. और ही सिट ऑन अ लोनली प्लेस एंड देन कॉन्सनट्रेट ऑन देयर कंटेम्पलेशन करता है वो. क्योंकि मोस्ट ऑन द टाइम ऑफ द वैदिक पीरियड द स्ट्रेस इज गिवन ऑन द ओरल टीचिंग. कि उस टाइम पे ओरल टीचिंग को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता था. कि जो टीचर है वो बच्चों के सामने, यानी अपने शिष्यों के सम्मुख अनेक ग्रंथों के भाष्य प्रस्तुत करता था, और शिष्य उनको ध्यानपूर्वक कंठस्थ करता था. कंठस्थ यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, और एकांत में बैठकर उस पर एकाग्रचित्र होकर चिंतन करता था कि उनके टीचर ने, उनके गुरु ने उनके समक्ष जो बोला है, वो उसको अपने मन ही मन उस चीज़ को जो है चिंतन करता था. नेक्स्ट टीचिंग होती थी हमारी मनन तथा चिंतन, यानी कंटेम्पलेशन एंड कंटेम्पलेशन, यानी मनन चिंतन इज सेम थिंग. मंत्र तथा भाष्य को कंठस्थ करने के बाद छात्र उन पर मनन चिंतन करता था. कि जब वह मंत्रों और उनके लेक्चरों को अंडरस्टैंडिंग करता था, तो उस पर छात्र क्या करता था, कंटेम्पलेशन करते थे वो. मनन द्वारा छात्र मंत्रों के आंतरिक अर्थों को अली भली प्रकार से समझने का प्रयत्न करते थे. कि थ्रू द कंटेम्पलेशन दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल कंसेप्ट, द रियल मीनिंग ऑफ देयर मंत्राज. मनन तथा चिंतन से उनके अंदर आत्म साक्षात्कार की भावना उत्पन्न होती थी. थ्रू द कंटेम्पलेशन इन देयर इनर दे डेवलप द सेल्फ इंटरव्यूअर आत्म साक्षात्कार, सेल्फ स्टीम फीलिंग. की क्या करते थे वो? सेल्फ स्टीम की जो फीलिंग थी वो डेवलप होती थी थ्रू द कंटेम्पलेशन. इस प्रकार इस युग में स्वाध्याय तथा मनन पर अत्यधिक बल दिया जाता था. सो ऑन द टाइम ऑफ द वैदिक पीरियड दे स्ट्रेस ऑन द सेल्फ स्टीम एंड द कंटेम्पलेशन. किस पे बल देते थे वो, किस पे अत्यधिक स्ट्रेस देते थे? स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टीम पे, और मनन यानी कंटेम्पलेशन पे. कि आपने जो सुना उसको आपको क्या करना है, उसको मनन और चिंतन करना है. नेक्स्ट है उच्चारण पर बल, स्ट्रेस ऑन प्रोनंसिएशन. क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ना तो नेटवर्क था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना रिटर्न में कुछ होता था. तो किस पे? मौखिक पे. आप उसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, देन आप उस चीज़ को क्यों है प्रोनाउंस कर रहे हो. शिक्षा में शब्दों के ठीक उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता था. किस पे जाता था? कि आप जो है प्रोनंसिएशन बिल्कुल करेक्टली कर रहे हो या नहीं. गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराता था. क्या कराता था? टीचर्स था, ट्राई टू प्रैक्टिस एवरी वर्ड्स स्पीक ऑन विद प्योर प्रोनंसिएशन. कि आपको प्योरली शुद्ध उच्चारण बोलना है प्रत्येक वर्ड को. सर्वप्रथम गुरु सेम अभ्यास करता था. फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर डू प्रोनंसिएशन, एंड आफ्टर सम टाइम गुरु मुख से सुनकर छात्र भी वैसा ही अनुकरण करने का प्रयत्न करता था. यानी व्हेन द प्यूपिल लिसन इन टू द टीचर ही ट्राई टू एक्सेप्ट देयर प्रोनंसिएशन एंड व्हाट ही इज टीचिंग बिफोर हिम. दे आर लिसनिंग एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग, एंड आफ्टर सम टाइम दे स्ट्रेस ऑन द प्रोनंसिएशन एज लाइक देयर टीचर डू. कि जैसे उनका टीचर कर रहा है वो उसी तरह से उनके मुख से सुनकर वैसे ही करने के प्रयत्न यानी ट्राई
करते थे. नेक्स्ट है हमारा वाद विवाद की प्रमुखता, इंपॉर्टेंट ऑफ डिस्कशन. एज यू नो दैट डिस्कशन क्या होता है, शिक्षा प्रणाली में वाद विवाद को विशेष महत्व देता था कि किसी विषय पर मतभेद होने पर उसका निराकरण वाद विवाद द्वारा होता था. यानी अगर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई विद योर कलीग्स आंसर देन देयर शुड बी हेल्ड अ डिस्कशन. आज भी छात्र भी आपस में वाद विवाद करते थे. द प्यूपल टीचर ऑल्सो डू डिस्कशन. छात्रों को विषय के पक्ष और विपक्ष में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती थी. द प्यूपल हैव द फुल्ली फ्रीडम टू स्पीक इन द फेवर एंड अपोजिट ऑफ अ सब्जेक्ट. जटिल समस्याओं का समाधान प्रश्न और उत्तर द्वारा किया जाता था. इफ़ यू हैव द डिफिकल्ट प्रॉब्लम दे आर सॉल्यूबल विद द क्वेश्चन आंसर मेथड्स. की वाद विवाद अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप जो है जो छात्र हैं जो प्यूपल टीचर हैं अगर वो किसी भी विषय को लेकर के एक सहमत नहीं है यानी वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पर वहाँ पर डिस्कशन मेथड यूज किया जाता था. और एवरी चाइल्ड को राइट होता था कि वो अपने विषय को अपने पक्ष को टीचर्स के सामने रख सकते थे. नेक्स्ट हमारा आता है पाठ्य विषय. पाठ्य यानी करिकुलम क्या था. ये मेन टीचिंग मेथड जो उन्होंने डिस्कस किए थे. वैदिक काल में पाठ्य विषय मुख्य रूप से व्याकरण कल्प ज्योतिष छंद और निरुक्त थे. कुछ लोगों का भ्रम है कि प्राचीन काल में पाठ्यक्रम प्रमुख रूप से धर्म प्रधान था परंतु यह धारणा असत्य है. उपनिषद काल में पाठ्य विषयों का अत्यधिक विस्तार हो गया था और तर्कशास्त्र को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था. इसके अतिरिक्त राशि विद्या निधि विद्या एका जन तथा शस्त्र विद्या को भी अध्ययन होता था. यानी कुछ लोगों के अंदर डाउट था कि ऑन द टाइम ऑफ द वैदिक पीरियड रिलीजियस एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट ट्रू क्योंकि कुछ टाइम के बाद व्हेन द उपनिषद पीरियड स्टार्ट्स दे फॉलो द लॉजिकली सब्जेक्ट इन देयर करिकुलम. उन्होंने लॉजिकली सब्जेक्ट को तर्कशास्त्र को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया था. जैसे कि अपने हमने किया तो इसमें हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां थी. क्या कमियां थी हमारे एंशिएंट पीरियड की. फर्स्ट थे इसका धर्म प्रदान अधिक होना यानी मोस्टली बेस्ड ऑन रिलीजन. की पहला जो था कि जो हमारा वैदिक पीरियड था इसमें किसको इम्पोर्टेंट देता धर्म प्रदान था कि हर चीज़ जो एवरी वर्क जो था चाइल्ड किस चीज़ को माइंड में रखे करता रिलीजन बेस्ड रखता था कि रिलीजन बेस्ड है जो भी आप वर्क कर रहे हो वो आपके रिलीजन से रिलेटेड होना चाहिए. दूसरी कमी थी भौतिक शास्त्रों की उपेक्षा इग्नोरेंस द फिजिक्स. यानी प्राचीन काल में मोक्ष प्राप्त करने और अपने परलोक यानी अदर वर्ल्ड को सुधारने पे अधिक बल देते थे तो छात्रों में जो था भौतिक शास्त्रों के प्रति किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रहती थी. यानी वो फिजिक्स जैसे कि हमारे मेटल है हमारी साइंस है इस तरह से वो उन चीज़ों को नहीं जानते थे. दूसरा है शूद्रों की उपेक्षा इग्नोरेंस द शूद्रा कि शूद्र जो थे उस टाइम में चार वर्ण थे शूद्रों को सबसे नीचा माना जाता था और उनको हमेशा इग्नोरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था. नैरो थिंकिंग संकीर्ण विचारधारा जो लोगों की विचारधारा थी वो बहुत ही ज़्यादा नैरो थी यानी वो केवल धर्म से ऊपर उठकर कुछ भी देखना नहीं चाहते थे. जो उनके धर्म में लिखा हुआ है उसी को वो सत्य मानते थे. स्त्री शिक्षा का अभाव लैक ऑफ वुमेन एजुकेशन कि ऑन द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड स्त्री शिक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था कि इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती थी क्योंकि स्त्रियों पर बहुत सारे बैरियर्स थे बहुत सारे बंधन लगा दिए गए थे और जो स्त्री शिक्षा का जो महत्व था वो एवरीडे जो था वो कम होता जा रहा था. नेक्स्ट है हमारा हस्तकला की उपेक्षा इग्नोरेंस द हैंडीक्राफ्ट वर्क कि हस्तकला का जो कार्य था उसको भी इग्नोर किया जाता था हस्तकला की भी उपेक्षा की जाती थी. एंड लास्ट है हमारा समन्वय का अभाव लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की शिक्षा के अंदर आपने देखा जहाँ पे अलग अलग विषय थे उनको स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया. किस विषय को किया गया था स्टूडेंट्स के अंदर सिर्फ एक धर्म प्रधान विषय को यानी रिलीजन बेस्ड विषयों को इंक्लूड किया गया था उनमें सभी विषयों को इंक्लूड नहीं किया गया था. सो नाउ वी हैव कम्प्लीटेड अवर फर्स्ट टॉपिक एंशियंट एजुकेशन एंड टुमोरो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द मेडिवल एजुकेशन.